दो एसके पासवान जी 78 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस भारतीय पुलिस सेवा के यूपीएससी से क्लियर किए हुए हैं, और मैं 86 बैच में भारतीय पुलिस सेवा से यूपीएससी से हूँ। बाकी तमाम मेरे जो सहयोगी और सीनियर्स हैं ये बिहार पुलिस सेवा से हैं और बाद में इन्हें भारतीय पुलिस सेवा में इनका सामंजन हुआ और भारतीय पुलिस सेवा की अर्हता प्राप्त करके भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होके, और ये तमाम पदाधिकारी अपने समय में विभिन्न जिलों में काम किया है, डीआईजी और आईजी में काम किया है, और सबने अपने अपने समय में एक अहम मुकाम हासिल किया है, और इन सबके मन में एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की इच्छा थी जो जनसुराज के मंच पे आके इसको ये शामिल करना चाहते हैं, इसको सफल करना चाहते हैं। एक चीज जो चर्चा हो रही होगी आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर जनसुराज आईएएस पदाधिकारी आईपीएस पदाधिकारी इन सेवानिवृत्त लोगों को शामिल करके क्या संदेश समाज में देना चाहती है, क्योंकि आज तक ये माना जा रहा है कि राजनीतिक करने वाले कार्यकर्ता जमीन में जब काम करके ऊपर आते हैं तभी उनको राजनीतिक मुकाम मिलता है, राजनीतिक स्तर मिलता है, और शायद वो प्रयोग पिछले 75 वर्ष में हुआ है। और आपको ये भी हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उसमें जुड़ने वाले जितने पदाधिकारी जितने लोग थे उसमें अधिकांश प्रबुद्ध नागरिक थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग थे, पुलिस सेवा के लोग थे, और विभिन्न बैरिस्टर थे, वकील थे, व्यापारी थे। तो प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा आंदोलन शुरुआत किया गया, और बाद में संविधान के बाद यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बाद ये सबके लिए खुला, सब आए, सबने काम किया, लेकिन ऐसा एक मुकाम आ गया जहां पुनः हमें उन अनुभवों को संजोकर, उनके मार्गदर्शन प्राप्त कर व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रयास करना पड़ेगा। नरसिंह बाबू ने बहुत सही कहा कि गांधी जी के ग्रामीण स्वराज को स्थापित करना, ग्राम गणराज्य ग्रामीण गणतंत्र को स्थापित करने का जो सपना था वो अधूरा रह गया, उसको पूरा करने के लिए जनसुराज संकल्पित है, और ये पदाधिकारी जो शामिल हो रहे हैं इनके अनुभव, इनका मार्गदर्शन, इनका सहयोग इसमें कहीं ना कहीं हमको एक नया मुकाम देगा और एक प्राण देगा।